जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है किसान की चतुराई। तो शुरू करें। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां पर अचानक एक भालू आ गया और भालू किसान को देखते ही उस पर झपट पड़ा। लेकिन किसान ने उससे विनती करते हुए कहा कि मुझे मत खाओ, मैं फसल बोने जा रहा हूँ, जो भी फसल उगेगी उसमें जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हें खिलाने के लिए तैयार हूँ। तो भालू इस बात को लेके मान गया। उसने किसान के सामने एक शर्त रखी और कहा कि फसल के नीचे का हिस्सा तुम्हारा और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा। तो किसान इस बात को लेके मान गया और किसान ने इस बार फसल बोई आलू की। और इस आलू की फसल होने के बाद ऊपर का हिस्सा गया भालू को और नीचे के आलू वो गए किसान को। इस बात को लेके भालू को बहुत गुस्सा आया। तो इस बार उसने निश्चय किया कि वो फसल का नीचे का हिस्सा रखेगा और ऊपर का हिस्सा किसान को बोले रखने के लिए देगा। तो ऐसा ही उसने किसान से भी कहा कि इस बार जो भी फसल तुम बोओगे उस फसल का नीचे का हिस्सा मैं रखूँगा और ऊपर का हिस्सा तुम रखोगे। तो किसान ने इस बार फिर से चतुराई दिखाई अपनी और इस बार उसने बोल दिए गेहूँ। और गेहूँ बोने पर जब गेहूँ बड़े हुए तो शर्त के मुताबिक भालू को क्या मिला? गेहूँ का जड़ यानी नीचे का हिस्सा और खिले खिले सुनहरे से गेहूँ किसको मिले? तो वो किसान को मिले। इस बार फिर भालू गुस्सा आ गया। तो अब उसने निश्चय किया कि इस बार वो किसान और वो गया किसान के पास। उसने कहा कि फसल का सबसे ऊपर का हिस्सा और सबसे नीचे का हिस्सा मैं लूँगा, बीच का हिस्सा तुम रखोगे। तो किसान इस बात पे भी मान गया। किसान ने इस बार फिर से अपनी चतुराई दिखाई और इस बार उसने फसल बोई गन्ने की। और गन्ना जब पककर तैयार हुआ तो फिर भालू को क्या हाथ आया? गन्ने का ऊपर का पत्ती और नीचे का जड़, रस वाला भाग कौन ले गया? किसान। तो कैसी लगी ये कविता बच्चों? इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के वक्त भी घबराना नहीं चाहिए, चतुराई से हम अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं। मिलते हैं एक नई कविता के साथ, एक नई कहानी के साथ, मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।